बायोफ्यूल ट्रेन्स बनाकर सोडोर आइलैंड ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, जिसके वजह से ढेर सारा हंगामा हुआ। कई दिनों तक सोडोर रेलवे स्टेशन बंद रहा और टोफम हेड पता नहीं कहां अंडरग्राउंड हो गया। सारे सवाल हमारे वॉमिट मैन पे उठे, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। कुछ टाइम बाद सेलिब्रिटीज की मदद से सोडोर रेलवे स्टेशन को दोबारा पॉपुलराइज किया गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन सिर्फ सोडोर आइलैंड में। टोफम के भागने से सारा ब्लेम मुझ पे आया, जबकि मैं बस उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। मेरी कोई गलती नहीं है, उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता तो वो काम से निकाल देता, और अब ऑर्डर को पूरा किया तो सब मुझ पर ही कूद रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि मैंने स्काई न्यूज चैनल पे टट्टी कर दी। जापान में फॉर्मूला को मॉडिफाई किया गया और बायोफ्यूल्स इंजिन्स को मजबूत और सेफ बनाया गया। जापान एक बहुत ही बड़ा देश है, तो बेशक सोडोर आइलैंड से बेहतर रिसोर्सेस रखते हैं। चलिए एक नजर हम जापान के बॉक्सिंग रिंग पे देते हैं। वाह, कितने सारे लोग मौजूद हैं। आप अभी एक ऐसा मैच देखने जा रहे हो जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज काफी बड़ा मैच होने जा रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे लेफ्ट साइड पर है हमारे खास खिलाड़ी रोस्टर, और मेरे राइट पे है मैच शुरू होता है अब। ये दोनों टैंक इंजिन्स बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर आज बात है सर्वाइवल की, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही जिंदा लौटेगा। दूर दूर से लोग आए हैं। लगातार मुक्कों की बारिश ने जूडो को नीचे गिरने पे मजबूर कर दिया। यही एक लौता मौका था जूडो को खत्म कर खुद सरवाइव करने का। उससे पहले कि वो उठता, रोस्टर एक के बाद एक पंच मारे जा रहा था। वो तब तक नहीं रुका जब तक जूडो मरा नहीं। सर्वाइवल के लिए रोस्टर को अपने दोस्त और दोस्ती दोनों की कुर्बानी देनी पड़ी। मजबूरी लोगों से पता नहीं क्या कुछ नहीं करवाता। बेशक रोस्टर ये मैच जीत गया, पर वो बहुत ज्यादा दुखी था। जापान ऐसे घिनौने काम करके खूब पैसे कमा रहा था, और वहां की जनता भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे दिल खोल के। वाह,
वो है दो, वो है चार, वो है छः, वो है आठ, करते हैं हर काम में बात। लाल हरे भूरे नीले सबके सब है जोशीले, सब करते हैं अपना काम, चाहे पास हो या फिर दूर मकाम। कभी उतरे तो मुड़ के थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। एनी और केविन दोनों की हाल ही में शादी हुई और एक दूसरे को ये दोनों बहुत प्यार करते थे। कहीं से इनको ये बात पता चला कि एक बार अगर ये बायोफ्यूज ट्रेन बन गए तो कभी नहीं मरेंगे और हमेशा साथ रह सकेंगे, तो इन्होंने खुद को बायोफ्यूज ट्रेन बनने के लिए वॉलंटियर किया। केविन एक ब्लैक इंजन बना और उसकी वाइफ एनी और उसकी ट्विन सिस्टर एक कोच बने। एनी और उसकी ट्विन सिस्टर को देखते हुए साथ ही कई और ट्विन ट्रेन्स बने। एक दिन एनी और उसकी बहन पर कुछ पैसेंजर्स को डाला गया, पर जैसे ही वो बैठे चेयर से खून निकलने लगा। यहाँ तक कि बाथरूम में भी। एनी और उसकी बहन को रिपेयर करने का कोशिश किया गया पर कोई फायदा नहीं हुआ, तो उन दोनों को रेलवे ट्रैक्स में इस्तेमाल करने से बैन कर दिया गया। केविन इस बात से बहुत खुश था कि अब उसकी वाइफ आराम से रहेगी बिना कुछ काम किए। कई देशों ने मिलकर जापान में एक बहुत ही बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम उन्होंने हिट लॉजिस्टिक्स रखा। ये ऑर्गेनाइजेशन बायोफ्यूज फॉर्मूला की मदद से सिर्फ ट्रेन से नहीं बल्कि कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। इनफैक्ट सोल्जर्स को बायोफ्यूज वेपन्स बनाकर जंग के लिए उन्हें रखने लगे। अब सोल्जर्स वेपन्स चला नहीं रहे थे, वो खुद वेपन्स बन रहे थे। हिट लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे थे डॉक्टर ओवेंस, जो कि शेड 17 में भी काम कर चुके थे। मैंने डॉक्टर ओवेंस का एक सीक्रेट फुटेज देखा जिसमें वो गवर्नमेंट को अपने प्लेस के बारे में बता रहा था। साथ ही उसने एक स्टोरेज के बारे में बताया जिसके अंदर कुछ बहुत ही डेडली बायोफ्यूज कुछ ऐसा है जो उसने सरकार को बताया। उस फुटेज में वो सरकार से प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। कुछ तो था उस स्टोरेज में कैद जिसे डॉक्टर ओवेंस छुपा रहे थे, पर सच को कितना भी छुपाओ कभी ना कभी बाहर निकल ही जाता है, और इस सच को दुनिया के सामने लाने का काम करता है केविन। जो भी बायोफ्यूज्ड इंजिन अच्छे से काम नहीं करता, हिट लॉजिस्टिक्स उन्हें मार देता। वो लोग इंजिन को ऐसे खत्म करते जिससे कि बाहर के लोगों को कभी कुछ पता ही नहीं चलता। क्योंकि एनी की ट्विन को जिंदा रखना बेकार था, तो हिट लॉजिस्टिक्स वाले लैब में उसे जला रहे थे। किसी ने एक बार भी सोचा नहीं था कि एक ट्विन के जलने से दूसरा वाला भी आग में झुलस पड़ेगा। What's the matter? What's happening? Please, stay with me. एनी को अपनी आंखों के सामने तड़प कर मरते देख केविन पूरा टूट चुका था, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। उसी के बॉडी के टुकड़े केविन के चारों तरफ बिखरे पड़े थे। अब केविन के दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था, बदला बदला और बदला। हाँ,
তোরা আমার বউকে মেরে ফেললি, তোরা তোরা আমরা বায়োফিউ স্ট্রেন্সকে কি কষ্ট দিচ্ছিস আর সহ্য করব না। এখন সরকারকে নাচাবার সময় এসেছে। केविन की बात में दम था। वाकई में टैंक इंजिन पर कुछ ज्यादा ही जुल्म हो रहा था। जेफ नामक एक टैंक इंजिन के चक्के निकाल कर उसे स्ट्रीम जनरेटर के जैसे यूज किया जाने लगा, मगर बिजनेस बंद होते ही सब चले गए जेफ को छोड़ के। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि जेफ का क्या। 30 साल तक एक ही जगह रहने के कारण पूरा का पूरा शेड ही उसका बॉडी बन गया। एक दिन डॉक्टर ओवेंस आए जेफ को शेड से रिहा करने, पर वो नहीं जानते थे कि जेफ पूरा का पूरा शेड बन चुका था। इंटरनेट के वजह से धीरे धीरे लोग अब इस गंदे बायोफ्यूजन खेल को समझने लगे। सब में ही थॉमस, गॉर्डन और जेफ जैसे टैंक इंजिन्स को लेकर दुख और गुस्सा था। जो लोग पहले बायोफ्यूज इंजिन्स का मजा ले रहे थे, अब वही लोग इन रिसर्च को बंद करने के लिए हंगामा करने लगे। खूब नारे लगे इंजिन्स के सपोर्ट में, यहाँ तक कि क्रैंकी का इस्तेमाल कर वो हिट लॉजिस्टिक्स के बेस को तोड़ने लगे। लोगों ने बिना क्रैंकी के बारे में जाने ही उसे यूज किया। क्रैंकी की बॉडी 360 डिग्री रोटेट करने के लिए बनी ही नहीं थी, पर उन लोगों ने ऐसा किया जिसके वजह से क्रैंकी हिट लॉजिस्टिक्स के ऊपर गिर गया। तभी गोली की रफ्तार में आया केविन और सीधे हिट लॉजिस्टिक्स के अंदर घुस गया। उसे पता था अंदर कुछ तो है जो गवर्नमेंट लोगों से छुपा रहा था, तो उसी खोज में केविन सभी कंटेनर्स को तोड़ने लगा। फाइनली केविन ने उस सच को आजाद किया जिसका सबको डर था। वहां अंदर कैद बायोफ्यूज्ड इंजिन्स भी नहीं बचे। ये सच और कोई नहीं बल्कि गॉर्डन था। टोफम हेड के फील्ड एक्सपेरिमेंट ने गॉर्डन को खत्म तो कर दिया था, पर डॉक्टर ओवेंस ने सभी मरे हुए बायोफ्यूज इंजिन्स को उठाकर हिट लॉजिस्टिक्स में दोबारा बायोफ्यूज एक्सपेरिमेंट करने लगा, जिसका रिजल्ट जाने अनजाने में गॉर्डन एक मॉन्स्टर बन गया जिसके अंदर कुछ नहीं बस गुस्सा भरा था। मॉन्स्टर गॉर्डन एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट G1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम खड़ा हूँ जापान के सड़क में। ये रहा गॉर्डन जो कि पता नहीं कैसे मकड़ी बन गया, और ये रही हमारी जापान की सरकार जो कि गॉर्डन पर नियंत्रण पाने की कोशिश में है।